आज दिवाली का दिन है, बड़ा बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देशवासियों को विश करेंगे दीपावली विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सभी को बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से दीपावली की, और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिट रहें, ये मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और पटाखे थोड़ा कम चलाएं, और ज़रूरत ना हो तो चलाएं ही ना, क्योंकि पॉल्यूशन पटाखे से बहुत फैलता है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि इस दिवाली को खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें, ड्राई फ्रूट्स बांटें, लेकिन पटाखे जो हैं वो कम फोड़ें या ना ही फोड़ें तो अच्छा है। ने किस तरह से सेलिब्रेट किया इस दिवाली को इस साल? मैं इस साल अपने घर नहीं जा पाया, तो मैंने यहाँ जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं उनके साथ मैंने सेलिब्रेट किया। उनको मैं मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स दे के आया, फ्रूट्स दे के आया, और पटाखे दे के आया, कुछ फुलझड़ियाँ छोटी मोटी कि वो लोग चलाएं। और उनको चलाते हुए देखा मैंने, तो बहुत खुशी हुई मुझे कि वो लोग इतने खुश थे, तो मुझे लगा कि दिवाली पे क्यों ना खुशियाँ बांटी जाएं। तो वो मुझे बहुत उनको देख के खुशी हुई जब वो लोग पटाखे चला रहे थे या खा पी रहे थे या इतने इन्जॉय कर रहे थे। कहाँ से ये थिंकिंग आई आपके दिमाग में कि आपको गरीब बच्चों के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए? कहाँ से सीख मिली है आपको? क्योंकि मैं देखता था कि वो बच्चे बेचारे देख रहे हैं दूसरों को पटाखे चलाते हुए। अगर मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उधर नीचे कुछ बच्चे खड़े हुए थे, ऐसे देख रहे थे दूसरों को पटाखे चलाते हुए। कल से मैं देख रहा था, कल रात को भी लोगों ने पटाखे चलाए, तो वो बेचारे बच्चे देख रहे थे। तो मैं सुबह गया और पटाखे लेके आया, थोड़े बहुत कुछ फ्रूट्स लेके आया उनके लिए, कुछ फुलझड़ियाँ ये सब लेके आया, उनको दिया कि वो लोग भी उसको जला सके। और जब वो जला रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो एक दिन पहले जब वो देख रहे थे तो बड़ा सहमे से ऐसे चुपचाप खड़े हुए थे, लेकिन जब मैं देख रहा था कि वो चला रहे थे तो इतना एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। खुशी पे सभी का अधिकार है। अगर मतलब अब देखिए, मैं तो सपोर्ट नहीं करता कि फटाके चलाना चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं चलाता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा लगता है फटाके चलाने में या दिवाली, लेकिन वो परचेज नहीं कर सकते या खरीद नहीं सकते। तो मैंने कहा क्यों ना उनको दिया जाए, उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए। मन को कितनी शांति मिली, और देश के उन लोगों जो सक्षम है दिवाली मनाने में, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आपके? एक मैसेज भी हो जाएगा ये देश के लिए। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप सब मिलजुल कर रहें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटें और सब मिलजुल के दिवाली मनाएं। क्योंकि ये दिवाली किसी मतलब किसी धर्म का या किसी उसका त्यौहार नहीं, ये सभी का त्यौहार है। लाइटिंग का त्यौहार है, मिठाइयों का, खुशियों का त्यौहार है, तो सब मिलजुल के से इसको सेलिब्रेट करें। अच्छा, अब इससे बढ़ के कुछ आगे चलते हैं और आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, आपके प्रोफेशन के बारे में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे तरफ? बिल्कुल ज़रूर। मैंने अभी रिसेंटली एक सेव ऑफ वाटर करके एक मैंने शॉर्ट फिल्म की है, वो आने वाली है मेरी, 1 मंथ में आ जाएगी। और मैंने अभी 2 गाने आने वाले हैं मेरे, एक रंग दे है, एक दिल जानिया है, और अभी एक शॉर्ट फिल्म और बात चल रही है, वो भी जल्दी ही शूट होगी। एक डिटर्जेंट का ऐड आने वाला है और काफ़ी बातचीत चल रही है। लेट्स सी, बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होगा। आप सबकी दुआएं हैं। कुछ और है जो देश को मैसेज देना चाहेंगे? दिवाली का मौका है और फैमिली को भी बहुत मिस कर रहे हैं, तो इस बहाने आप कुछ मैसेज दे दें ऑडियंस को, फैंस को। और जिनको मौका नहीं मिला है घर जाने के लिए, वो अपने पड़ोसी, अपने फैंस या अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी कुलीग्स हैं, जो भी उनके साथ रहते हैं, दोस्त यार, सबके साथ मिलजुल कर दिवाली मनाएं, तो उनको भी फील नहीं होगा कि वो घर में नहीं है। क्योंकि देखिए, सब अपने हैं, अगर अपना समझेंगे तो ये देश, ये दुनिया, हर देश, हर धर्म के लोग, हर इंसान अपना है। तो क्यों ना इस दिवाली एक नई शुरुआत की जाए और सबको अपना बनाया जाए और सबके साथ खुशियाँ मिलजुल के बांटी जाएं। हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू।